तो अंजलि और मैं, हमारा रेडियो से रिश्ता इसलिए और प्रगाढ़ है क्योंकि हम तकरीबन 40 साल पहले पहली बार आकाशवाणी पर ही मिले थे। ये यहाँ दिल्ली आकाशवाणी ही था तो ये बनारस आकाशवाणी का था, तो बनारस से मैंने एक डिग्री पाई और साथ साथ एक बीवी भी पाई। तो थैंक यू आकाशवाणी का, बहुत बहुत धन्यवाद पर्सनल बेसिस पर भी और प्रोफेशनल बेसिस पर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किसी ने सही कहा है कि आकाशवाणी दिलों को जोड़ता है। ...1987 में जब पूर्वी दिल्ली में UCMS का यहाँ पर आना हुआ, तब से ही प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष गुप्ता UCMS से जुड़े हैं। 36 साल हो गए, एक बार डॉक्टर पीयूष के लिए जोरदार तालियां। और आकाशवाणी से जैसे उन्होंने कहा 40 साल से सिलसिला है कि जब BHU से उन्होंने MBBS की पढ़ाई की, जैसे आप कर रहे हैं अभी, और फिर MD भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की थी, तो आकाशवाणी वाराणसी से ही उनका सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे अगर याद आता है सर, उठिए अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस कार्यक्रम को आप करते थे। और मैडम आपका कार्यक्रम का नाम था आज सुबह। ये कार्यक्रम वो है जो बहुत प्रचलित हुए आकाशवाणी पर, तो आप भी ज़रूर आकाशवाणी से जुड़िए जो कि लोक सेवा प्रसारक है। और डॉक्टर पीयूष अगर इजाज़त दें तो मैं एक लव स्टोरी आपके साथ साझा करता हूँ और उसके बाद आप उसे क्रैक कीजिएगा, व्हाट्स द राइट आंसर। सो व्हाट हैपेंड, वंस अ डॉक्टर, वंस अ डॉक्टर एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल इन लव विद द सेम गर्ल। एवरी डे द डॉक्टर गेव द गर्ल अ रोज, एवरी डे द चार्टर्ड अकाउंटेंट गेव द गर्ल एन एप्पल। वन डे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द गर्ल वॉक्ड अप टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आस्क्ड, व्हाई डू यू गिव मी वन एप्पल एवरी डे? यस, an apple a day keeps doctor away. Do you think it's time to break this myth and say an apple and a doctor will keep illness away? Yeah, definitely, definitely. This is what I was also thinking. Ki जो पहले ये जो थॉट ये बना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो कहीं ना कहीं हम डॉक्टर को अपना एनिमी समझने लग रहे हैं कि भाई बीमारी इज अ बैड स्टेट और हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें कि अगर हमें कुछ समझना है या फिर हम कैसे अपने आपको स्वस्थ रखें, इट्स नॉट अबाउट कि हम जा रहे हैं दो दवाई लेके आ रहे हो, क्योंकि आज भी बहुत सारे पेशेंट का ये माइंडसेट है कि हम उन्हें कुछ बताते हैं कि देखो आपको ये परहेज करना है, वो परहेज नहीं करेंगे, भैया हमको दवाई लिख दो।